जय श्री राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए तो आज हम बनाएंगे प्रभु श्री राम की सुंदर सी ड्रेस। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमने ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है और फैब्रिक का नाम है बेलवेट। तो बेलवेट में हमने कपड़ा लिया है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो बेलवेट में लिया है। तो ये कपड़ा गर्म रहता है, तो प्रभु राम जी के लिए बहुत अच्छी ड्रेस बनेगी इस कपड़े की। तो सबसे पहले लेंगे लंबाई, जितनी आपकी लंबाई हो प्रभु राम की लंगोट की धोती की, उतने उसमें आप 2.5 या 3 इंच प्लस कर लें। और देखिए इस तरीके से कपड़ा को फोल्ड कर लें 2 फोल्ड में। देखिए इस तरीके से, देखिए लंबाई के साइड से लेके, और इस तरीके से फालतू कपड़ा कट करके हटा दें। ये देखिए इस तरीके से कपड़ा कट करके हटा देंगे। अब इसको इस तरीके से इक्वल करके रख लेंगे कपड़े को। वीडियो आप बिना स्किप करें, बिना स्किप करें देखें, बहुत अच्छी ड्रेस बनेगी। कपड़े को इक्वल करके कटिंग कर लें, फालतू कपड़ा कट करके निकालेंगे। अभी देखिए, तो जितनी हमने लंबाई ली थी, देखिए इस तरीके से, जैसे 26 लंबाई है तो 26 इस साइड भी 26 ही कटिंग करेंगे। तो चकोर कपड़ा कट करना है, इक्वल चारों तरफ से चकोर होना चाहिए बिल्कुल। तो इस तरीके से नाप लेते हुए देखिए, इक्वल कपड़ा चकोर बिल्कुल कट कर लेंगे, फालतू कपड़ा कट करके हटा देंगे। देखिए इसको इस तरीके से, देखिए तो कपड़ा कट कर लिया है। अब देखिए बिल्कुल कपड़ा चकोर हो गया है। अब इसको देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। और देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे 6 इंच पर, और 6 इंच पर एक साइड से, तो तिकोन तिकोना है उस साइड से, और इस साइड लगाएंगे 10 इंच पर निशान। देखिए इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से ये एक साइड की कोना जो है उसको कट करके निकाल देना है। सिर्फ इतनी कटिंग करनी है, ध्यान से देखें आप। दोनों पार्ट को इस तरीके से कट कर लेंगे। 2 पार्ट किए थे ना हमने भी चकोर कटिंग में। देखिए एक साइड की धोती की लेंथ और दूसरी साइड की भी, देखिए इस तरीके से घूम भरी जाएंगे। तो इस तरीके से धोती तैयार होगी, बहुत सुंदर धोती बन के तैयार होगी। अब एक पट्टी कट कर लेंगे 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई लगभग 30 इंच। अब देखिए इस तरीके से फिर फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और उसकी लंबाई लेंगे 26 25 26 ले सकते हैं आप। चौड़ाई देखिए 5 इंच है, और इस साइड लेंगे 3 इंच। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा आपको तिरछा बनाना है। जो सामने झालर जो बनती है प्रभु राम की धोती में, उसके लिए कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो उसको कटिंग कर लिया हमने, इसको साइड रखते जाएंगे, तय बनाते रखते जाएंगे सब। जैसे कटिंग करने के बाद जब स्टिचिंग करें तो आसानी हो, फेंकना नहीं है। आप इस तरीके से देखिए फिर कपड़ा फोल्ड करेंगे, 2 इंच पर निशान लगा देंगे, 2 से 1.5 इंच पर, जितना आपको फोल्ड करना है। जितनी आपको चोली तैयार करनी हो उसकी लंबाई, उतनी लंबाई ले लें आप। तो हमने देखिए अपनी चोली की लंबाई ले ली है, और देखिए चौड़ाई लगभग ली है 8 इंच। और इस चकोर कपड़ा, इसको भी कट करके देखिए इस तरीके से, 2 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड है, इसको इस तरीके से देखिए कट करके इसको भी निकाल लेंगे। अब नेक कटिंग करेंगे तो 5 इंच नेक लेंगे, चौड़ाई ले लेंगे 2 इंच, और इस तरीके से तिरछा नेक कट करेंगे। तो नेक कट के कट हो गया है, और चोली बन के तैयार हो गई कट गया। अभी स्लिप कटिंग करनी है, क्योंकि प्रभु राम की जो चोली है वो इस तरीके से बनाई जाती है। आप स्लिप कटिंग करेंगे तो देखिए फालतू कपड़ा कट करके निकाल देंगे। और स्लिप कट करने के लिए इतना कपड़ा ले लेंगे, 13 इंच की लंबाई ले रहे हैं और चौड़ाई ले रहे हैं देखिए 6.5 इंच से, 6 या 6.5 भी ले सकते हैं, 5 इंच भी, जितनी आपको बाजू की लंबाई रखनी है उतनी आप ले सकते हैं। अब इसको कटिंग कर कर 2 स्लिप बना कर तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरीके से देखिए। चलिए तो अब स्टिचिंग करना शुरू करते हैं प्रभु राम की ड्रेस की। तो आप देख सकते हैं, देखिए 2 पैर होते हैं, तो सबसे पहले एक पैर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए ये साइड के से साइड के कोने हैं उनको स्टिच कर, इस साइड देखिए जो तिरछा है गोलाई है उस साइड में भरे जाएंगे प्लेट्स, और इस साइड देखिए स्टिच कर लेंगे दोनों साइड में। देखिए इस तरीके से आप ध्यान से देखें, देखिए इसको फोल्ड कर लेंगे, और जो तिरछा कटिंग की है उसमें भरी जाएंगी प्लेट्स। तो अभी आप देखते जाइए कैसे ड्रेस तैयार होती है प्रभु राम की।
तो इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और इसको भी इस तरीके से देखिए दूसरी साइड भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे, देखिए सिर्फ दो साइड फोल्ड करना है। नीचे नोकदार जो पैर है पोछे के साइड नोकदार बनेगा। अब देखिए दो साइड फोल्ड कर लिया है, ध्यान से देखें। देखिए अब जो गोलाई में कटिंग हुई है उसमें भरी जाएंगी प्लेट्स, तो बीचों बीच कट लगा लेंगे एक। और देखिए जो कट लगाया है वहीं से उसी जगह से इस तरीके से प्लेट्स भरेंगे, प्लेट्स घूम भरेंगे। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे घूम डाल लेंगे, आप अपने अनुसार डाल लें छोटे या बड़े। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा घेर की भी ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे, पहले एक साइड की फिर दूसरे साइड की डालेंगे, जैसे कि बीच में झालर बन के तैयार हो, मतलब घूम जो आए जैसे सलवार में घूम आते हैं वैसे ही घूम आएंगे, तो बहुत सुंदर ड्रेस लगेगी ना। तो दूसरे साइड की भी प्लेट्स इस तरीके से डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए पहले एक पैर की डाल लेंगे फिर दूसरे पैर की भी इसी तरीके से सेम इसी तरीके से डालनी है। पहले दोनों साइड फोल्ड कर लेंगे फिर उसमें प्लेट्स डाल लेंगे, दोनों पैर एक जैसे तैयार कर लेंगे। आप देख लें कि आपकी कमर प्रभु राम की, जो आपकी प्रभु राम है उनकी कमर कितनी है उसके अनुसार प्लेट्स डालें। ये देखिए इस तरीके से, और धागा इस तरीके से सेट कर दें। ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं प्लेट्स। तो एक पैर बन के तैयार हो गया, एक बार आप अच्छे से देख लें। देखिए देखिए इस तरीके से प्लेट्स डालनी है। दूसरा पैर भी हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए अब आसन जोड़ेंगे, आसन जॉइंट कैसे करना है आप देख लें। देखिए एक बार हम आपको अच्छे से दिखा रहे हैं जैसे कि कोई मिस्टेक ना हो आपको ड्रेस बनाने में प्रभु राम जी की। अब देखिए आसन इस तरीके से जॉइंट करेंगे, तो आसन पे निशान लगा लेते हैं। पहले आप देखिए इंच टेप लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, देखिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो आपको ड्रेस बनाने में। देखिए यहाँ से, देखिए इस साइड से इंच टेप लेंगे, निशान लगाएंगे 13 इंच पर, 13 इंच पर आसन का निशान लगाना है, और दोनों पैर को जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए वैसे दूसरी तरीके से भी आसन बना सकते हैं पर इस तरीके से बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से हम आपको बना के दिखा रहे हैं प्रभु राम की ड्रेस। ये देखिए इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे आसन को भी, तो आसन जॉइंट हो गया है। अब बीच में जो झालर बनाई थी हमने उसको भी जॉइंट कर लेंगे। उसको जॉइंट करने के बाद आप पट्टी लगा दें ड्रेस में, ऊपर की जो कमर है जो हमने पट्टी कट करके रखी थी 2.5 इंच की और 30 इंच की लंबाई, उसको आप ऊपर जॉइंट कर दें, लगा दें। देखिए इस तरीके से, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं इतना तो आपको आते ही है। देखिए देखिए आप चोली तैयार करेंगे, तो चोली तैयार करने के लिए देखिए सबसे पहले नेक बनाएंगे, तो नेक बनाने के लिए हम गले पर पीले कलर की पट्टी लगा रहे हैं क्योंकि हमने ड्रेस के लिए पीले परने तैयार किए हैं, तो पीले कलर की पट्टी लगाएंगे गले पर। देखिए इस तरीके से पट्टी हमने गले कपड़े के ऊपर रखकर गला पट्टी कट कर ली थी, तो पट्टी लगा, देखिए इस तरीके से पट्टी लगाएंगे। देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड में पट्टी इस तरीके से आएगी, तो अच्छा लगेगा लुक जब ड्रेस बन के तैयार होगी, जब प्रभु जी पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ड्रेस जच जाएगी, ड्रेस अच्छी लगेगी प्रभु राम पर। इस तरीके से देखिए, आप ध्यान से देखिए हम नेक किस तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से नेक बनाकर तैयार करेंगे, नेक थोड़ा फिनिशिंग के साथ तैयार करें। तो ये देखिए नेक बन के तैयार हो गया है। नेक कितना सुंदर लग रहा है बन के तैयार हो गया है। अब आप देखें, देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे साइड में, जो चोली है दोनों साइड फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से,
देखिए एक साइड की फोल्ड कर लेंगे पहले, फिर दूसरी साइड की भी फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम पट्टियाँ लगाएंगे बांधने के लिए। पट्टी हमने पहले ही बना के तैयार कर ली हैं, आप भी पहले ही बना के तैयार कर लें पट्टियाँ, जिससे कि अंडरग्राउंड पट्टी लग जाए और फिनिशिंग के साथ प्रभु राम की ड्रेस बन के तैयार हो। ये देखिए दोनों साइड फोल्ड हो गया है। अब सबसे पहले लगाएंगे नेक पर पट्टी। देखिए इस तरीके से पट्टियाँ लगानी है चोली में, देखिए इस तरीके से, देखिए क्योंकि जब ड्रेस पहनाते हैं तो पट्टियाँ ही बांधी जाती हैं। एक साइड की फ्रंट की ड्रेस बन के तैयार होती है, बैक की ड्रेस नहीं बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से दूसरे साइड भी पट्टियाँ लगा देंगे। आप ध्यान से देखिए हम पट्टी किस तरीके से लगा रहे हैं अंडरग्राउंड। ये देखिए इस तरीके से, अब दो पट्टियाँ लग गई हैं। अब नीचे लगाएंगे पट्टियाँ, तो नीचे भी इसी तरीके से पट्टी लगानी है। देखिए दोनों साइड आप ध्यान रखें कि हम कहाँ कहाँ पट्टी लगा रहे हैं, वरना अगर पट्टी लगाने में गलती हुई तो ड्रेस कैसे पहनाएंगे प्रभु राम को। ये ड्रेस तैयार हो रही है हमारे घाटे के लिए, मंदिर के लिए। तो फिर पंडित जी कहेंगे, राम जी कहेंगे, ड्रेस कैसी बनाई है। आप तैयार करेंगे स्लिप, तो स्लिप देखिए आप ध्यान रखें, आप ध्यान से देखें हम किस तरीके से स्लिप तैयार कर रहे हैं। बहुत आसानी से ड्रेस चोली बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से दोनों साइड से स्लिप को फोल्ड कर लेंगे। देखिए देखिए इस तरीके से, देखिए अब इन पर भी पट्टियाँ लगानी है। तो देखिए इस तरीके से पट्टी लगाएंगे, ये देखिए। पक्का करते जाएंगे साथ के साथ। ये देखिए इस तरीके से, देखिए एक साइड लग गई स्लिप में पट्टी। इसी तरीके से दोनों स्लिप तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर चोली बनके तैयार होती है प्रभु जी की। देखिए इस तरीके से दोनों स्लिप इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। दोनों बन के तैयार हो गई हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि चोली में स्लिप किस तरीके से अटैच होगी। देखिए इस तरीके से स्लिप पकड़ेंगे, बीच में निशान लगा लेंगे चौक का, और देखिए इस तरीके से हमने निशान लगाया था वहाँ से रखते हुए एक साइड अटैच करनी है। देखिए इस तरीके से, देखिए अब दूसरी साइड भी उसी तरीके से चोली में स्लिप लगा देंगे। हमने बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश की है, आपको समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको फिर डिटेल में बताएंगे। देखिए इस तरीके से दोनों साइड की स्लिप लगा लेंगे तो प्रभु श्री राम की ड्रेस बन के तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।